रोटी कितने की दे रही है? 14 रुपए की जी। यहाँ पे तो 15 भी लिखा है, 16 भी लिखा है, 14 भी लिखा है। ये पहले 16 के बाद 15 हुई थी, 15 काट के 14 की अभी। फ्रीजर की हालत है देख ले जी पंजाब फूड साहब, ये देख लें ये किचन में, ये क्या चीज़ है ये दिखाएं ज़रा। फ्रीजर तो गंदा ही है, ये दिखाएं ज़रा भाईजान, हाथ थोड़े से सीधे करें ज़रा, ये दिखाएं, ये नेल दिखाएं ज़रा, क्लोज करें, ये दिखाएं ज़रा यार, इसको काटते बना रहे हो? काटता हूँ भाई, हफ्ते बाद काटने होते हैं। लारी अड्डे के हदूद में आज मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो खाने पीने के होटल है, जो मुसाफिरों को खाना खिलाया जा रहा है, आज उनको चेक करेंगे उनका खाना वगैरह। रोटी कितनी की बेची जा रही है? मरियम नवाज की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आटा तो सस्ता कर दिया गया है, क्या रोटी की कीमतों में भी कमी हुई है? यानी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रोटी कितने की दे रही है? 14 रुपए की जी। 14 की या 15 की? 14 की। यहाँ पे तो 15 भी लिखा है, 16 भी लिखा है, 14 भी लिखा है। वो काटे हुए हैं सब, ये देखें काटा हुआ ये वाला। 15 को तो मेरा ख्याल सही किया, काटा नहीं अभी लिखा गया। नहीं वहाँ पे साथ वो वहाँ पे स्टिकर लगा ना आगे, वो वाला इस पर स्टिकर लगाया ये देख। अच्छा नहीं नहीं ये वाला जो लिखा हुआ है ये 15 वाला, ये पहले 16 के बाद 15 हुई थी, 15 काट के 14 की अभी। रोटी का वजन कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम पूरा या कम? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जी। पूरा दे रहे हैं। किचन किधर है आपका, जहाँ पर खाना वगैरह? किचन हमारा ऊपर है जी। एक बंदा भेज दें? बिल्कुल भेजेंगे। आप जी जाएं साथ, आओ आ जाओ जी आ जाओ। लो जी मुसाफिर जो होते हैं वो टेबल पे बैठकर ऑर्डर देते हैं सिर्फ, किचन के बारे में उनको बिल्कुल पता नहीं होता, लेकिन किचन जो है हमारे पंजाब फूड का काम है चेक करना, किचन में कितनी सफाई है, खाना किस तरह तैयार हो रहा है, और जो खाना तैयार करते हैं उनकी हालत कैसी है, और जो इनके वेटर होते हैं उनको भी चेक करते हैं। ये जी किचन है इनका, किचन में सफाई है थोड़ी सी, माशाल्लाह सही है, साफ़ सुथरा किचन, और ये इनका किचन है। यहाँ पे बनता है सारा कुछ? हाँ। कारीगर कौन है आपके जो बनाते हैं? वो गए हुए हैं उधर ना। हाँ वो भी नहीं है। अच्छा, महफिल पे गए हैं। ये सारा किचन है आपका? हाँ। इसमें बनाते हैं बर्तनों में। ये प्याज? हाँ। ये प्याज है जी यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये टमाटर वगैरह, ये तो भाईजान गले सड़े टमाटर है, बीच में ये भी डालते हैं बीच में? हाँ ये सुबह ले गए थे ना। अच्छा ये दिखाएं इधर, ये देखें, सस्ता लेकर आते हैं ताकि फ़ायदा हो? नहीं फायदा के मारे नहीं लेके आते वैसे। अच्छा वैसे ही ख़राब निकल आते हैं बीच में? हाँ कोई खराब। चलें जी आगे चलेंगे, मज़ीद जितने होटल्स हैं चेक किया जाएगा, और इन्फॉर्मेशन जो है होटलों की वो आप तक पहुंचाई जाएगी, और जो हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं मतलब कि जैसे कि पंजाब फूड हो गया और प्राइस कंट्रोलर हो गया, मजिस्ट्रेट साहब हो गए जो रेट प्राइस कंट्रोल करते हैं, उनको दिखाया जा रहा है कि यहाँ के हालात कितने क्या है, रोटी कितने की दी जा रही है, किचन की सफाई कितनी है, और ये पीने का पानी है जो पीते हैं, ये दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं, ये ड्रम है इसमें पानी पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे कैसे हैं आप भाईजान? यहाँ के हैं या आउट ऑफ सिटी के? दूसरे शहर के? दूसरे शहर के। दूसरे शहर के, कहाँ से आए? मुल्तान से। मुल्तान से। खाना कैसा है? खाना ठीक है। अच्छा टेस्ट है? लो जी टेस्ट की तारीफ़ हो रही है, टेस्ट अच्छा है भाईजान, बहुत शुक्रिया। पंजाब फूड कितनी देर बाद आती है आपके पास? और एक दो माह बाद चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगा देते जी? क्या करती है चेक में, मतलब कि देखते हैं किचन, देखते हैं हमारी सफाई खाने सब मेयार चेक होता है? अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ कभी भी? एक बार हुआ था कुछ काफ़ी महीने पहले। अब नहीं होता सफाई की वजह से? सफाई ठीक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने है इसलिए नहीं होता। और ये कारीगर है जी जो खाना तैयार कर रहे हैं, और ये देख लें पतीले पड़े हुए, ये ढक्कन नहीं होते हैं इसके? वो शीशा लगा ना सामने। हाँ जी। शीशे की वजह? हाँ जी। ढक्कन नहीं रखते? वो हमें बताया हुआ उसने फूड स्टार्टी ने कि शीशा लगा। खुद बताया? जी जी। आगे चलें जी, मज़ीद होटल चेक करेंगे बताएंगे आपको। और ये जी रोटी है, रोटी का वज़न देख लें जी, ये कहते हैं जी 120 ग्राम है, और 120 ग्राम अभी मुझे पता नहीं लग रहा कि है कि नहीं, मजिस्ट्रेट साहब का काम है चेक करना यहाँ पर। अब जाएँगे दूसरे होटल पर, आपको दिखाएँगे कि यहाँ पर क्या हालात है, सफाई कितनी है, और ये रोटी कितने की बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक शुक्र रब का। रोटी का कितने की दे रहे हैं? 14 रुपए की। 14 रुपए की। वेट कितने? 90, 95, 100। क्यों फ़र्क आ जाता है? 100 ग्राम की तो 120 ग्राम मालिक किधर है? नान 120 का होता है। अच्छा 100 ग्राम, 90, 95 फिर रोटी का 100 ग्राम वजन होता है। ये जी लिस्ट लगी हुई है जी सामने, यहाँ पर जितने भी मुसाफिर आते हैं मतलब कि दूसरे शहरों से यहाँ पर आके खाना खाते हैं, ये मेन बाज़ार है लारी अड्डे का, और यहाँ पर होटल है सारे, तो यहाँ पर ये लिस्ट लगी हुई है,
पंजाब की तरफ से है या नहीं, अपनी लिस्ट लगाई हुई, कोई गवर्नमेंट की स्टैंप नहीं लगी हुई ऊपर, और ये खानों के रेट लिखे गए हैं, रोटी 14 रुपए की लिखी है, वज़न नहीं लिखा कि वज़न कितना होना चाहिए, लेकिन सलाद रायता 50-50 का, बाकी आपके सामने छोटी ओजरी ये वो कलेजी वगैरह। और अभी यहाँ पर मुसाफिर भी बैठे हैं, कुछ दोस्त मेरे खाना खा रहे हैं, और ये फ्रीज़र वजन खोल के दिखाएं ज़रा, इसमें क्या रखते हैं, फ्रीज वगैरह जो खाना बच जाता है? नहीं, आज भी इधर ये जी फ्रीज़र की हालत है, देख ले जी पंजाब फूड साहब, ये देख लें, ये किचन में ये क्या चीज़ है, ये दिखाएं ज़रा, फ्रीज़र तो गंदा ही है। भजन अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं सर? हम ये बताएं, इधर के ही रहने वाले कि दूसरे शहर से? इधर से ही आए हैं। इधर से हैं। खाने का टेस्ट सही है? बस ठीक है। बस ठीक है। कितने की प्लेट लगाई है दाल की? कितने की? 100 रुपये की। ठीक है, मुनासिब है, मुनासिब है जी। और ये पानी पिलाया जा रहा है जी हमारे यहाँ पर मुसाफिर जो है, ये पानी है ये देखें, और इनको ढांपा नहीं है ऊपर से, जो मर्जी गिर जाए कीड़ा वगैरह जो भी है, इनको ढांप के रखा करें यार। आप वेटर हैं? नहीं वेटर नहीं है, माँ चलें। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, मालिक आप हैं होटल के? वो मालिक घर है। मालिक, आपका नाम क्या है? नवाज। नवाज भाई क्या होते हैं यहाँ पर, मैनेजर है? नहीं, वर्कर हैं सब। वर्कर हैं सब। तो नवाज भाई, अपना पंजाब फूड कितनी देर बाद आती है, चक्कर लगाती है? 3-4 दिन बाद आती है। 3-4 दिन बाद आती है, क्या चेक करके जाती है? सिर्फ पानी वगैरह, फ्रिजें वगैरह, खाने और सफाई, बस बस ये चीज़। लाइसेंस देकर गई हैं? लाइसेंस देकर गए। अपना चालान भी कर देती है? चालान भी करती है। अच्छा, हर बार जब भी आती है चालान करती है? नहीं, हर बार नहीं करते, बार बार तो नहीं करते ना चालान। यानी कि सफाई वगैरह ठीक है वगैरह चेक करते करके जाते हैं? किचन किधर है आपका? किचन हम इधर बाहर ही पकाते हैं ऊपर, इधर बाहर 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 तैयार करते हैं जी सारा कुछ बाहर। चलें जी, आगे चलेंगे, मज़ीद जितने होटल हैं मज़ीद चेक कराएँगे आपको। और ये दिखाएं ज़रा भाई जान, हाथ थोड़े से सीधे करें ज़रा, ये दिखाएं, ये नेल दिखाएं ज़रा, क्लोज करें, ये दिखाएं ज़रा यार, इसको काटते क्यों नहीं बना रहे हो? काटता हूँ भाई, हफ्ते बाद काटने होते हैं। ये दिखाएं ज़रा यार, कितनी दिहाड़ी लेते हैं? 1800। ये कटवा, ये देख कर नहीं जाते अपना पंजाब फूड, ये नेल देखे कितने बड़े बड़े हैं। नील तो काटा करना भाई, ठीक होगा भाई, सफाई तो नहीं, सही मान है। ये देखें, खाना देंगे ये, हाँ, कर... ये देखें हमारे, देख लें भाई हमारे, देख लें हैं। आप तो खाना तैयार कर रहे हैं ना, रोटी बना रहे हैं, ठीक हो गया, ओके हो गया। ये जरासीम होते हैं तो ये इन चीज़ों के ख़ास ख्याल रखना चाहिए, पंजाब फूड को ये चीज़ें देखनी चाहिए जो हम चेक कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ही मालिक है, क्या करती हैं, आती है चलान करती है। अब आगे चलेंगे, मज़ीद मेरे साथ रहिए।